खबर रायबरेली उत्तर प्रदेश से है। समाधान दिवस पर सदर एसडीएम ने चकबंदी कर्मचारी पर लगाई फटकार। बता दें कि इस समस्या का समाधान न करने पर, काम पर लापरवाही करने पर लगाई जमकर फटकार। सदर एसडीएम राजेंद्र शुक्ला ने चकबंदी कर्मचारी को सही से काम करने के लिए दिशा निर्देश। समाधान दिवस पर 8 शिकायत पत्र में से 3 का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं 1 शिकायत मौके पर जाकर एसडीएम ने जांच पड़ताल करने का निस्तारण दिया। वहीं बता दें कि हरचंदपुर थाना प्रकरण में चल रहा समाधान दिवस। ये पूरी खबर रायबरेली की बताई जा रही है। समाधान दिवस पर सदर एसडीएम ने चकबंदी कर्मचारी पर लगाई जमकर फटकार। प्रकरण समाधान दिवस में कितने शिकायती पत्र, कितना समाधान किया गया? शासन के आदेश से आज समाधान दिवस थाना हरचंदपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 8 शिकायतें आई हैं, जिनमें से दोनों पक्षों को बैठ करके बात करके हम लोगों ने 3 समस्याओं का निस्तारण कर दिया है। 1-2 भाइयों की समस्या है, जिसको 2 बजे के बाद मैं और इंस्पेक्टर साहब जाके मौके पर दोनों पक्षों को बैठा करके मोहल्ले के लोगों से बात करके उस समस्या का भी जो नियमानुसार निस्तारण होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। समाधान दिवस का यही उद्देश्य है कि दोनों पक्षों की बात सुन करके जो विधिक हो वो कार्रवाई हम कर लें। अभी चकबंदी का कुछ प्रकरण आया था जिनमें उनको आपने कड़ी फटकार लगाई, उसमें क्या था मामला? चकबंदी विभाग के कर्मचारी से मेरा ये अपील है कि वो जिन गांवों में चकबंदी चल रही है, चूँकि उसका राजस्व का रिकॉर्ड लिखा पढ़ी में उनके पास है, तो वो अपने गांव की समस्याओं को देखें, उनको जो भी मदद चाहिए हमारे इंस्पेक्टर साहब पुलिस की मदद देंगे, मैं उनको लेखपाल कानून को मजिस्ट्रेट दूंगा, लेकिन वो अपने गांव जिनमें उनकी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। बाद में कहा कि कुछ लेखपाल नहीं है, जिनका एक दिन का वेतन रोकने की बात आपने कही थी, उसमें से चकबंदी विभाग के लेखपालों को आज कई जगह नाप करने के लिए जाना था, तो उनके अधिकारियों ने उनको नाप के लिए भेजा था, मैंने सभी को बुलवाया है, वो सभी लोग अभी आएंगे। इस तरह कोई प्रकरण तो नहीं रुक गया जिसमें लेखपाल के न होने पर काम बाधित? नहीं, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें हमारा कोई कर्मचारी ना रहा हो उसकी वजह से कोई कार्य रुका गया। सर कितने मामले राजस्व के हैं, कितने मामले पुलिस के? इसमें कम्बाइंड होते हैं, राजस्व और पुलिस कम्बाइंड कार्रवाई करती है, इसलिए इसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मैंने जो आदेश पारित किए हैं एप्लीकेशन पर, वो संबंधित SHO साहब को और जो चकबंदी का है और जो तहसील का स्टाफ है, तीनों को लिए पारित किया।